हेलो दोस्तों, लक्की सर क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। अपन जो आज डिस्कशन करेंगे महाराणा प्रताप का भाग सेकंड। अपन ने राज तिलक के बारे में पढ़ लिया था, शक्ति सिंह के बारे में पढ़ लिया था, चेतक के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं। अब जो थोड़ा माहौल बनाते हैं हल्दी घाटी वाला, तो अब देखो राज तिलक कब हुआ था। राज तिलक तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि इनका जो राज तिलक हुआ था वह 1572 में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में हो गया था। अब क्या होता है कि उस समय भारत का जो सम्राट था वह कौन था? अकबर था। अकबर था। तो अकबर अकबर प्रताप को नियंत्रण में लाने के लिए, अपने नियंत्रण में लाने के लिए क्या भेजता है? दूत मंडल भेजता है। क्या भेजता है? दूत मंडल। दूत मंडल भेजता है। चार दूत मंडल भेजता है। कितने भेजता है? चार दूत मंडल भेजता है ताकि किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को मुगलों के अधीन किया जा सके। तो वो कौन कौन से जो दूत मंडल है, उस दूत मंडलों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो दूत मंडल जो भेजा गया था वो किसके नेतृत्व में था? जलाल खां। जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा गया था महाराणा प्रताप के पास में अधीनता स्वीकार करने के लिए। कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1572। 1572 और कौन से महीने में? तो नवंबर के महीने में, नवंबर 1572 को भेजा गया था। ये जो जलाल खा है वह एक वाक्पटु था। वाक्पटु था। क्या था? एक वाक्पटु, यानी बोलने में बहुत ही कुशल व्यक्ति था, लेकिन महाराणा प्रताप इसकी बातों में नहीं आता है और ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है और वापस प्रस्थान कर देता है आगरा। दूसरा जो भेजा गया था वो भेजा गया था मानसिंह को। किसको भेजा गया था? मानसिंह। मानसिंह कछवा को भेजा गया था, और मानसिंह कछवा जयपुर वाला आमेर का शासक। कहाँ का शासक था ये? आमेर का शासक था। आमेर का शासक। और कब भेजा गया था? तो 1573। 1573 में भेजा गया था, जून के महीने में भेजा गया था। कौन से महीने में? जून के महीने में। अब इनके समय के की बात है कि जब ये उदयपुर पधारे थे तब इनके लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? एक विशेष भोज का आयोजन किया गया था। विशेष भोज का आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो किया गया था उदय सागर की पाल। उदय सागर की पाल, इसे पिचोला भी कह सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहाँ पे एक विशेष भोज का आयोजन किया गया? उदय सागर की पाल पर। लेकिन जो उनके साथ में बैठने के लिए यानी भोज करने के लिए महाराणा प्रताप नहीं जाते हैं, वो किनको भेजते? अपने पुत्र अमर सिंह को भेजते। किसको भेजते हैं? अमर सिंह को भेजते हैं। वहां पे किसको भेजा जाता है? अमर सिंह को भेजा जाता है। लेकिन जो मान सिंह है वह नहीं मानता है और जिद करने लगता है कि प्रताप, महाराणा प्रताप को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? प्रताप को बुलाया जाए। बाद में प्रताप, ऐसा कहा जाता है, प्रताप आता है तीखे तेवर में और फिर वे भोज करने बैठते हैं। तो कोई तो कहता है कि वो एक पंक्ति में नहीं बैठते, एक पंक्ति में नहीं बैठते। कोई कहता है कि प्रताप ने उनके साथ किया ही नहीं था, क्योंकि जो ये मेवाड़ के राजपूत है वह इनको निम्न लेवल का राजपूत मानते थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे।
तो इनके बीच में क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह जो खाना है वह अपने जो कुत्तों को खिला देता है, जो उनके साथ में 300 कुत्ते आते हैं वो उनको खिला देता है, ऐसा कहा जाता है। और यहीं से मानसिंह और प्रताप के मध्य क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं। ये कारण रहा था उदय सागर की पाल में। कोई कहता है कि इनकी जो मीटिंग्स हुई थी वह गोकुंदा में हुई थी, तो अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, उनको समझना है। फिर जो तीसरा जो दूत मंडल भेजा जाता है वो भेजा जाता है भगवंत दास, ये भी क्या था, कछवा था। भगवंत दास कछवा को भेजा जाता था कि महाराणा प्रताप को किसी भी तरह से उसके अधीन किया जाए। ये जो भगवंत दास कछवा था वो मानसिंह जी का पिता था। और ये वही भगवंत दास है जिसने जो 1568 में जो तीसरा साका हुआ था उसमें अकबर को जो कत्लेआम का आदेश निकलवाने के लिए कहा था, तो ये यहाँ पे आता है। तो सीधी सी बात है कि वह प्रताप ने भी बोल दिया कि आपने उस समय कत्लेआम करवाया तब हमने हार नहीं मानी, तो आज अपन क्या हार मान लेंगे, इसलिए मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, जो मेरी पीढ़ी है वह अधीनता स्वीकार नहीं करेगी। तो ये है, ये वाला भी विफल हो जाता है। लेकिन ये कब आया था, 1573 सितंबर में आया था। फिर एक लास्ट में एक और आता है दूत मंडल, किसके नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में एक और दूत मंडल आता है। कब आता है, 1573 दिसंबर के महीने में। हालांकि ये जो ये महीने हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकाशित है, कहीं पे अलग है कहीं पे अलग है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। अब देखिएगा ये टोडरमल, अब ये जो टोडरमल है ना, ये क्या था, महाराणा प्रताप ये अकबर का क्या था, विश्वास पात्र था, बुद्धि कौशल में निपुण था, उनके जो खजाने का जो हिसाब किताब रखता था, यानी कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंट था उसका क्या था, अकाउंटेंट, यानी लिखा पढ़ी जो भी हिसाब किताब का ब्यौरा यही रखता था टोडरमल, और इस पर बहुत विश्वास करता था कि वो उनको मना लेंगे महाराणा प्रताप को। लेकिन इसकी वाक्पटुता यहाँ पर भी काम नहीं आई, तो ये जो चारों के चारों जो दूत मंडल थे वह किसी काम के नहीं रहे, और महाराणा ने प्रताप ने कोई भी जो संधि करने से मना कर दिया। तो ऐसे थे वीर महाराणा प्रताप, तो ये असफल हो जाते हैं। बाद में कहा जाता है कि एक बार और आता है, कौन आता है, ये मानसिंह को जब सिरोही भेजा जाता है, यानी वापस, ये देखो कहानी एक कि मानसिंह को वापस जब अकबर भेजता है, अकबर कहाँ पे भेजता है, सिरोही में, तो सिरोही को वो विजय कर लेता है। और फिर मानसिंह कहाँ पे आ जाता है, उदयपुर आ जाता है। कि अब तो भाई टाइम पीरियड हो गया, हम आए थे, कब आए थे, 73 में आए थे, 2-3 साल हो गए, अब तो प्रताप की कोई ना कोई तो व्यवस्था रही होगी, अब तो थोड़ा झुक गया होगा। लेकिन जब ये आते हैं उदयपुर, आते हैं राजमहल में पधारते हैं, तो उस समय प्रताप कहीं बाहर गया था, और उस समय जो उनका जो पुत्र था अमर सिंह, वो खेलते खेलते उनकी गद्दी पर, जो राजमहल की जो गद्दी थी उन पर जा बैठा था। और जब ये उनसे पूछता है कि प्रताप कहाँ है, तो फिर वो भी टकासा जवाब देता है कि वो तो बाहर गए हुए हैं, तो कि मुझे मिलना है, तो कि मेरे से ही बात कर लो। फिर वो उनके मध्य थोड़े कठोर
शब्दबाजी होती है तो फिर कहता है कि अपने पिताजी को बोल देना कि जल्दी हमारा आमना सामना होगा। हमारा क्या होगा? आमना सामना होगा। तो अमर सिंह ने भी बोल दिया कि हम तो आमना सामना करने के लिए तैयार है, तुम आ जाना, हम आपका स्वागत करेंगे, और हो सके तो अपने साथ अपने फूफा जी को भी लेके आना, यानी फूफा जी अकबर को भी लेके आना, मजा आएगा। तो ये फिर वहां से फुट पड़ जाती है और किसकी नींव रखी जाती है? हल्दी घाटी के युद्ध की नींव रखी जाती है। ये नींव रखी जाती है। ये क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। देखो ये हो गया ना, जमा भट्टो, जलाल खां कोरची, मान सिंह कछवा, भगवान दास कछवा, टोडरमल, ये आए थे। फिर वापस एक बार मान सिंह आया था, लेकिन उस समय कौन मिला था? अमर सिंह। तकासा जवाब दिया। तो फिर नींव किसकी पड़ गई? हल्दी घाटी के युद्ध की। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि कैसे होता है ये युद्ध। जो युद्ध, अब हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसकी डेट के बारे में अलग अलग विचार है। कोई कहता है कि 18 जून को हुआ था और कोई कहता है कि 21 जून को होता है। लेकिन जो ज्यादातर जो इसकी जो डेट मानी जाती है, जो ज्यादातर इसकी जो डेट मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? 18 जून की मानी जाती है। तो इसके बारे में अपन विस्तृत से अब वर्णन करते हैं। थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं अपन? बात हो रही है हल्दी घाटी के समय की। तो हल्दी घाटी का बारे में पढ़ेंगे अपन। हल्दी घाटी, कोई कहता है कि ये युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। कोई कहता है ये 21 जून 1576 को हुआ। 21 जून वाला बोले तो कौन कहता है? गोपीनाथ, गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ। ये बोले तो कौन कहता है? तो ये जो आदर्शी लाल श्रीवास्तव कहता है, श्रीवास्तव कहता है। और ज्यादातर डेट है वो यही मानी जाती है 18 जून वाली। तो अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, एक तरफ महाराणा प्रताप तैयारी करता है, दूसरी तरफ मानसिंह तैयारी करता है। अब देखिए जो प्रताप है और दूसरी तरफ कौन है? मानसिंह है। अब ये अपना जो केंद्र है वह कहाँ बनाता है? तो ये अपना केंद्र कैलवाड़ा को बनाता है। कहाँ पे बनाता है? कैलवाड़ा, राजसमंद में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? राजसमंद में। और ये अपना केंद्र कहाँ पे बनाता है? मांडलगढ़। कहाँ बनाता है? मांडलगढ़। कहाँ आया हुआ है? अजमेर में। वहां पे ये बनाते हैं अपनी अपनी रणनीति। क्या बनाई यहाँ पे इन्होंने? योजना बनाई। क्या बनाई इस क्षेत्र में इन्होंने? योजना बनाई। इसने यहाँ पे कैलवाड़ा में बनाई, इसने मांडलगढ़ में बनाई। फिर यहाँ पे ये आगे बढ़ते हैं लोसिंग। ये कहाँ पे बढ़ते हैं? लोसिंग में बढ़ते हैं। फिर मानसिंह भी आगे बढ़ता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? तो मोलेला। कहाँ पे बढ़ता है आगे? मोलेला। मोलेला कहाँ आया हुआ है? राजसमंद में। आपको पता होगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्तमान में खिलौनों के लिए, मिट्टी के जो खिलौने वगैरह होते हैं मोलेला इसके लिए फेमस है। तो ये लोसिंग और ये मोलेला आ जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इनके बीच में एक दर्रा है, यानी इस तरफ कह सकते हो कि अपन का आ गया गोकुंदा। गोकुंदा कह सकते हो, ये गोकुंदा आ गया, ये खमनोरा आ गया, खमनोर।
उनके बीच में एक दर्रा है, तंग दर्रा है, तंग दर्रा है, उस दर्रे को क्या बोला जाता है? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी मैदान। और इसका रंग, यहाँ की मिट्टी कैसी है? पीली है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हल्दी घाटी बोला जाता है। तो इस मैदान में उतर जाते हैं, इस मैदान में उतर जाते हैं, और कहा जाता है कि ये जो हल्दी घाटी का मैदान है वह नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी मंदिर देखा होगा तो वहां से मात्र 11 किलोमीटर दूर है। तो यह हल्दी घाटी के बारे में हो जाता है। प्रताप कैलवाड़ा में योजना बनाता है, मानसिंह यहाँ पे मांडलगढ़ में बनाता है, फिर मोलाला की तरफ टपक पड़ता है, फिर गोकुंदा आता है, ये लौसिंग आता है खमनौर की तरफ, और खमनौर और गोकुंदा के बीच में क्या है? हल्दी घाटी, तंग दर्रा है, मिट्टी कैसी है? पीली है। नॉर्थ द्वारा से मात्र 21 किलोमीटर दूर है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाती है? ये ऐसी रचना बन जाती है। फिर बात करते हैं अपन आगे, तो अपन आगे बात करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि क्या होता है युद्ध में, क्या होता है। अब देखो युद्ध के, युद्ध की रणनीति के बारे में अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब युद्ध में क्या होता है, युद्ध में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अब देखो बात करते हैं अपन युद्ध की, युद्ध में क्या होता है। तो युद्ध में एक तरफ जैसे कि ये प्रताप की सेना है, प्रताप की सेना है, और एक तरफ जैसे मानसिंह या फिर कह सकते हो कि अकबर की सेना है, अकबर का ही नेतृत्व कर रहा था, तो अकबर की सेना है। अब देखो प्रताप, प्रताप क्या होता है कि प्रताप ने एक ऐसी रचना बनाई थी कि जो पीछे वाला जो सेना का जो भाग था उसका नेतृत्व किया था किसने? पुंजा ने, यहाँ पे पुंजा खड़ा था। फिर बात करें तो बीच में उनके जो महारथी थे वह उनको यहाँ पे बीच में रखा था। जैसे कि मान लीजिएगा बात करें तो रामदास मेड़तिया, रामसा तवर, भीम डोडिया, मानसिंह सोनगरा, शंकर दास, उसी प्रकार कांदल, भामा साहा, और ये यहाँ पे जैसे कि ये बीच में खड़े थे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल ही गए, विदा जाला मानसिंह, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं? विदा के नाम से जानते हैं, इसको तो भूल ही जाते हैं। तो ये देखो ये प्रताप की सेना हो गई। फिर प्रताप खड़ा हो गया यहाँ पे, महाराणा प्रताप खड़ा हो गया। अमर फिर बात करें इससे आगे, तो इसके आगे ये सेंटर में ये खड़ा हो गया, फिर यहाँ पे सेना रखी, फिर यहाँ पे आगे कौन खड़े रहे? तो हकीम का सूर एकमात्र अफगान जिसने इसमें भाग लिया था, हकीम का सूर ने। ये जो शेरशाह के वंशज से ये रिलेटेड था, और इनका जो मकबरा है वह कहाँ पे बना हुआ है? खमनौर में बना हुआ है। तो देखिए प्रताप की सेना तैयार है, पीछे पुंजा जो कि किसका नेतृत्व करता है? चंदावल का। पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? चंदावल का बोलते हैं। आगे वाला जो भाग है हकीम का सूर, वह किसका नेतृत्व कर रहा था? हरावल का नेतृत्व कर रहा था। प्रताप बीच में खड़ा था, जिसको बोलते हैं ढोलान। तो ये इसमें बीच में खड़ा था। तो चंदावल का नेतृत्व पुंजा, उसके बाद में ये पूरी सेना, हरावल का हकीम का सूर, और प्रताप ढोलान यानी बीच में खड़ा था। तो ये सेटअप हो जाता है पूरा का पूरा। और इस तरफ
ये जैसे कि मैदान हो गया, और इस तरफ मानसिंह की सेना, तो मानसिंह की सेना में भी बहुत सारे थे। मानसिंह की सेना में कौन थे? तो खुद मानसिंह आगे आगे जो कमांडर थे, कह सकते हो कि जो सेनापति थे, वो सेनापति कौन थे? मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह। फिर बात करें इनके पीछे कौन था, तो पीछे ये कह सकते हो कि आसफ खा। कौन था? आसफ खा। आसफ खा था, ये चंदावल का था, चंदावल का नेतृत्व कर रहा था, ये हरावल का नेतृत्व कर रहा था। और भी इनके बहुत सारे जो सहयोगी थे, जैसे कि बात करें तो आधे तो गद्दार ही थे हमारे वाले। गद्दारों में नाम देख लो, ये जगमाल। फिर बात करें तो सागर, उस समय शक्ति भी इनके साथ में था, शक्ति सिंह। फिर बात करें तो आप देखो ये जगन्नाथ कछवा, जगतनाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा। और बात करें तो मियत्तर खा, मियत्तर खा। और बात करें तो बहलोल खा, बहलोल खा। और बहुत सारी जो सेना थी, तो ये देखो हरावल मानसिंह था, चंडावल में कौन था? आसफ का। बीच में और कौन थे? जगन्नाथ, सागर, शक्ति सिंह, जगन्नाथ कछवा, मियत्तर खा, बहलोल खा। और भी जो सेनाएं थी, बहुत बड़ी सेना। ऐसा कहा जाता है कि जो सेना का जो रेशियो है, यहाँ पे जो सेना थी वो मात्र 20,000 की थी। कितनी थी? 20,000 की। और यहाँ पे सेना का विशाल जो एक भाग था वह कितना था? 80,000 था। यानी जो रेशियो बन रहा था वह बन रहा था 1:4 का रेशियो बन रहा था। ऐसी ये व्यूहरचना थी। तो अभी आपका क्लियर हो गया। फिर इनके मध्य घमासान युद्ध होता है। कहा जाता है कि उस समय इतिहासकार बदायनी, इतिहासकार कौन था? इतिहासकार, इतिहासकार उस समय अल बदायनी, बदायनी इनके साथ में था। इस मैदान में, उस रणभूमि में मानसिंह का नेतृत्व कर रहा था, मानसिंह की सेना में था। और जब वह एक मुस्लिम को बोलता है कि चलो युद्ध में, तो वह केवल इसलिए यह कहता है कि मैं इसलिए युद्ध में नहीं आऊंगा क्योंकि इसकी जो सेना का जो सेनापति, किसको बनाया गया? एक हिंदू शासक को बनाया गया। अगर किसी मुस्लिम को बनाया होता तो मैं सबसे आगे होता, लेकिन अब मैं नहीं आ सकता। शायद उसका नाम कोई शहीद खा था, शहीद खा वगैरह था। तो ये ऐसा था। फिर इनके मध्य घमासान युद्ध होता है। क्या होता है? इसके मध्य घमासान युद्ध होता है। दोनों तरफ से जो सेनाएं लड़ी जाती हैं, रण में जो खून की नदियां बह जाती है, अलग ही एक पराक्रम का जो यहाँ पे अद्भुत जो नेतृत्व दिखा जाता है। अल बदायनी ने उस समय कहा था कि ये क्या हो रहा है। आसफ खान को बोला कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी कंडीशन है। तो आसफ खान ने भी बोल दिया कि चाहे अपन की तरफ से राजपूत मरे या फिर उस साइड से राजपूत मरे, मरना तो आखिर राजपूतों को है। और हाँ, इसकी वजह से जो हमारा जो मुगल है, मुगल परचम है, वही क्या होगा? सशक्त होगा। तो ये राजपूतों को राजपूतों से लड़वाने की जो परंपरा है, यहाँ से देखने को मिलती है। और खून की नदियों से ये जो हल्दी घाटी का मैदान रक्त रंजित हो जाता है, लेकिन जो पराक्रम जो है अलग ही दिखता है। महाराणा प्रताप व अद्भुत कौशल दिखा जाता है। और कहा जाता है कि चढ़ चेतक पर उठा तलवार करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। यानी उस समय उन्होंने बहुत सारे सरों को काटा और अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था। यानी मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि उसने मानसिंह के जो मर्दाना हाथी के ऊपर अपना चेतक के दोनों पैर रखकर एक भाला फेंका था, जिससे उसका महावत घायल हो गया था और ये जो मानसिंह हौदे में जाकर चिप गया था। और फिर बात करें
तो मैंने और बताया था कि बैलोल खा को एक ही वार में घोड़े सहित काट दिया था। ऐसे वीर महाप्रताप थे जिसी के कारण इनको क्या कहा जाता है, वीर शिरोमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर शिरोमणि कहा जाता है या फिर मेवाड़ केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी या फिर कह सकते हो कि हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये नाम हिंदुआ सूरज कहो या फिर वीर शिरोमणि कहो या फिर मेवाड़ केसरी कहो, तो ये देखिएगा ऐसा एक रंगमंच तैयार हो जाता है, ऐसा रंगमंच तैयार हो जाता है। फिर बात करें तो कहते हैं कि इस युद्ध के बहुत सारे कारण थे, युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि अकबर को मालवा जाना होता था तो बीच में क्या पड़ेगा, मेवाड़। अकबर को गुजरात जाना होता है तो बीच में क्या पड़ेगा, मेवाड़। तो भाई मेवाड़ पे अधिकार करना बहुत जरूरी हो गया। फिर बात एक बाईसाती फूल कंवर, यानी जो मालदेव के बेटे राम थे, मोटा राजा उदय सिंह या फिर उससे भी बड़े बेटे थे राम, तो राम की एक पुत्री थी फूल कंवर। तो फूल कंवर का विवाह किनके साथ में हो गया था, प्रताप के साथ में, जबकि अकबर इनके साथ में शादी करना चाहता था, ऐसा प्रसंग मिलता है। तो उसके कारण भी इनके मध्य क्या हो जाते हैं, जो मन मुटाव हो जाते हैं। फिर बात करें तो मानसिंह जलते पे जो नमक छिड़ता है उनके मध्य, जो वो पिछोला की पाल या फिर उदय सागर की पाल वाला जो किस्सा हो जाता है, और अमर सिंह भी इसको भड़का देता है, चेतावनी दे देता है, तो ये कारण हो सकता है। फिर कह सकते हो कि एक हाथी भी इसका कारण रहा था, यानी अकबर को इसका एक जो हाथी है जिसका नाम था राम प्रसाद, वो उसको पसंद आ गया था तो इनको देने को बोला था, लेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो फिर ये भी एक कारण रहा था। ऐसे बहुत सारे कारण रहते जिसके कारण इनकी जो ये पृष्ठभूमि तैयार हुई और ये ऐसा संग्राम चिढ़ पड़ा। तब फिर मैंने बता दिया था कि जब घायल हो गए महाराणा प्रताप, घायल हो गए तो वो बाहर की तरफ जाने लगे। जो मेवाड़ सरदार थे उन्होंने इनको बोला कि आप बाहर जाइए, इस युद्ध को हम देख लेंगे। तो वे बाहर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे पीछे जो नेतृत्व है वह कौन संभाले। यहाँ पे जो प्रताप तो चला गया, लेकिन प्रताप का नेतृत्व कौन संभाले, उनके जो सिर मुकुटमणि उनको कौन धारण करे। तो उस समय जो धारण करता है वह धारण करता है जाला बिदा, जिसको अपन ने बोला था मानसिंह जाला बोलते हैं, मानसिंह जाला। ये कहाँ का था, तो ये जो पूर्वी सादड़ी है वहां के थे ये बिदा जाला। उन्होंने जो महाराणा प्रताप के जो छत्र है और जो वेशभूषा है वो धारण की और फिर युद्ध किया। तो यानी उस समय मैंने कहा कि मानसिंह ने इसको घेर लिया था प्रताप को, तो प्रताप ने भी व्यूहरचना बना के इनको अपना जो सत्र वगैरह दे दिया था और जाला विदा को तैयार कर लिया था और वो बाहर की तरफ चले गए थे। तो अब मुगल सेना इनको विदा को प्रताप समझ के इनके ऊपर युद्ध करने लगी और इनकी फिर वीर गति से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वीर गति के साथ में क्या प्राप्त हो जाती है, इनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इसमें जो ये रामदास मेड़तिया, राम सा तवर, भीम डोड़िया, मानसिंह सौदरा, शंकरदास, कांदल ये मारे जाते हैं, लेकिन बाद में जो निकलते हैं उसमें बामासा कह सकते हो, पुंजा कह सकते हो, कृष्णदास चुंडावत को कह सकते हो, बहुत सारे जो रामसा को कह सकते हो, वो वहाँ से बहुत सारे यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ पे निकलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो कोलियारी की तरफ प्रस्थान करते हैं। कहाँ पे, कोलियारी की तरफ।
और कोलियारी में ही उनका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। इससे पहले वाली घटना मैंने आपको चेतक की पूरी डिटेल के साथ में मैंने बता दी है। तो कोलियारी पहुंचते हैं और कोलियारी में अपनी सेना का इलाज करवाते हैं, और यहाँ पे अस्थाई तौर पर, अस्थाई ध्यान रखना, अस्थाई नाम बड़ा ध्यान रखना, अस्थाई तौर पर किसको राजधानी बनाते हैं, आवरगढ़ को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, आवरगढ़ को बनाते हैं, और यहाँ से गतिविधियों को संचालित करते हैं, और फिर बाद में स्थायी राजधानी के रूप में किसको चुना जाता है, तो स्थायी राजधानी के रूप में कुंभलगढ़ को, स्थायी राजधानी के रूप में किसको चुना जाता है, कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ को चुना जाता है, और यहाँ से चयन गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है। तो ये टॉपिक है, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा। चलो तो ये देखो आपका ये पूरा हो जाता है हल्दी घाटी। अब बहुत सारे इसमें भी पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इस बोर्ड को मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, सुंदर बना लेता हूँ, स्वस्थ बना लेता हूँ, स्वस्थ भारत अभियान। तो देखो अब मैंने वीर शिरोमणि बता दिया इनको, हिंदुआ सूरज बता दिया आपको, मेवाड़ केसरी बता दिया। तो ये बहुत सारे जो बिंदु याद रखना कि किसको क्या कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस युद्ध को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या होता है आगे। तो अब देखो इस जो युद्ध को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इस युद्ध के बहुत सारे क्या है, नाम है, बहुत सारे इस युद्ध के क्या है, नाम है। उस नाम में सबसे पहले कौन कौन से नाम है, इसके क्या है, नाम है, हल्दीघाटी के युद्ध के, इस युद्ध के बहुत सारे क्या है, नाम है। तो किसने क्या का कहा था उसके बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। साफ नहीं हो, तो अब देखिएगा जैसे कि जो इतिहासकार अल बदायूनी था, आया था ना, मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से उसने अवलोकन किया था, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया था। तो जो अल बदायूनी था, बदायूनी था, उसने इसको क्या कहा था, तो इसने इसको कहा था गोकुंडा का युद्ध कहा था। क्या कहा था, गोकुंडा का युद्ध, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बात है, गोकुंडा का युद्ध कहा था, गोकुंडा का युद्ध, ध्यान रखना। पहला बदायूनी ने क्या कहा, गोकुंडा का युद्ध, क्योंकि ये जो गोकुंडा है वह हल्दी घाटी के क्या है, समीप है, हल्दी घाटी के क्या है, समीप है, इस कारण इसको बदायूनी गोकुंडा का युद्ध कहते हैं। दूसरा अबुल फजल, अबुल फजल, अब अबुल फजल, अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा था, तो इस युद्ध को कहा था खमनोर का युद्ध। क्या कहा था, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा था, क्योंकि जो ये खमनोर नामक जो स्थान है वह हल्दी घाटी के क्या है, समीप है। उसी प्रकार इसको क्या कहा जाता है, और इसको बनास का युद्ध कहा जाता है, बनास का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वह हल्दी घाटी के समीप हुआ था, हल्दी घाटी के समीप हुआ था, और हल्दी घाटी के पास में ये बनास नदी है, क्या है, बनास नदी, इस कारण इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है। बात करें तो इसको एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इसने इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा था, अनिर्णित युद्ध का। अब अनिर्णित युद्ध कैसे, तो देखो जो हल्दी घाटी का जो अकबर का उद्देश्य था,
अकबर का उद्देश्य क्या था? अकबर ने मान सिंह को किस लिए भेजा था? कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। क्या बनाना? बंदी बनाना, जिंदा या फिर मुर्दा। लेकिन ये उद्देश्य क्या विफल रहा, महाराणा प्रताप स्वतंत्र रहा, उसका बाल विवाह न हो सका। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो प्रताप, तो प्रताप ने तो पहली बार जो बाहर आके, यानी इनकी पद्धति पहले से देखो जो सांगा की तरफ से जो चापामार उस समय से प्रारंभ हुई थी, लेकिन इन्होंने पहली बार बाहर आकर रक्षात्मक युद्ध किया था, रक्षात्मक युद्ध किया था। तो प्रताप तो सफल हुआ था, लेकिन विफल कौन हुआ था? अकबर का, और अकबर का मान सिंह, क्योंकि उसने बंदी नहीं बनाया, इसलिए उद्देश्य में भटक गए रहे। लेकिन प्रताप भी वहां से चला गया था। तो क्या जाता है कि ये कैसा युद्ध रहा था? अनिर्णित युद्ध रहा था। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ये जो विजय हुई वो महाराणा प्रताप की हुई, क्योंकि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने 1577 में बहुत सारे पट्टे आवंटित किए थे जमीन के, और उस पे जो ताम्र पत्र जारी किए थे। इसका मतलब उस समय जो अधिपत्य था वह किसका था? प्रताप का था। तो इसके कारण इनको कहा जा सकता है कि ये इस समय विजयी हुए थे। तो ये हो जाता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अनिर्णित युद्ध। बात करें आगे की, तो आगे अपन बात करते हैं, तो एक जेम्स टॉड हुए थे, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज इतिहासकार, उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। इसने कहा तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी जो पुस्तक अनॉल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान अपनी पुस्तक में इस युद्ध को क्या कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। और इसी के बाद में ये नाम फेमस हो जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध, इसको ज़्यादा इसको मान्यता मिली है। फिर इसने एक और कहा था, एक और नाम बताया था, वह नाम क्या था? तो उन्होंने एक और नाम दिया था इसको कि थर्मापोली का युद्ध कहा था। अब देखो इसको क्या, किसका दर्जा दिया गया था? थर्मोपोली। अब ये थर्मोपोली युद्ध क्या है? तो ये जो थर्मोपोली का युद्ध है वह कब हुआ था? 480 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य? तो ये हुआ था फारस, इसके मध्य फारस और कौन था? यूनान था। फारस और यूनान, एक तरफ फारस की सेना थी, एक तरफ यूनान की सेना थी। ये फारस की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह जरेकस कर रहा था। कौन कर रहा था? जरेकस कर रहा था। और यूनान की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वह लियोनिडास कर रहा था। कौन कर रहा था? लियोनिडास कर रहा था। तो ये ध्यान रखना, फारस की सेना जरेकस और यूनान की सेना लियोनिडास कर रहा था। इसके पास विशाल सेना थी, लेकिन इसके पात्र लियोनिडास के पास में मात्र 300 सैनिक थे, और वे योद्धा ऐसे लड़े कि विजय के निकट आ गए थे। लेकिन एक एफ पी आर टीज नाम के एक गद्दार विश्वासघात किया था, जिसके कारण वे सब क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसलिए इस युद्ध को इन्होंने क्या कहा था? थर्मोपोली का युद्ध कहा था। और इसके प्रत्येक सैनिक को क्या कहा गया था? लियोनिडास कहा गया था। इसका अंत का अनंत मंत कीजिएगा कि लियोनिडास, आपको इसको लियोनिडास ही समझना है। ध्यान दीजिएगा, ये लियोनिडास यानी प्रत्येक लड़ाकू था उसको आप, उनको ने क्या कहा था? लियोनिडास कहा था। तो ये इतनी बड़ी थी बात। अब करें तो एक और इसका नाम है हाथियों का युद्ध।
क्या कहा था, हाथियों का युद्ध, ये देख लीजिए का मैं थोड़ा साफ करने जा रहा हूं, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये हो गया, ये आप लोगों मैंने बता दिया कि यहाँ का एक और क्या नाम था, थर्मोपोली, ध्यान रखना थर्मोपोली, थर्मोपोली का युद्ध कहा था। थर्मोपोली का युद्ध, थर्मोपोली तो पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको, थर्मोपोली। अब किसकी बात करें तो मैंने बता दिया आपको कि इसको क्या कहा जाता था, हाथियों का युद्ध, हाथियों का युद्ध कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे हाथियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें महाराणा प्रताप, प्रताप और अकबर की ओर से बहुत सारे क्या थे, हाथी सम्मिलित थे। जैसे बात करें अकबर की, तो अकबर का हवाई, हवाई हाथी। उसी प्रकार बात करें तो यहाँ पे मानसिंह का मर्दाना, मानसिंह का मर्दाना हाथी, मर्दाना हाथी। उसी प्रकार तो और बहुत सारे हाथी थे, जैसे कि बात करें तो रण, रणमदार, गजराज, बहुत सारे क्या थे, अकबर के भी हाथी थे। और बात करें प्रताप की, तो प्रताप, जो प्रताप में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हाथी था राम प्रसाद, कौन सा था, राम प्रसाद हाथी था। उसके बाद में बात करें तो गजराज, गजराज, गज मुक्ता, गज मुक्ता। और बात करें तो लूणा, खंडेराव, खंडेराव। उसके बाद में वक्र, वक्रवाप, वक्र, चक्रवाप, चक्रवाप, चक्रवाप। और बहुत सारे हाथी थे, हाथियों की यहाँ पे बहुत सारी सेना थी और वे सेनाओं को कुचले जा रहे थे। तो ये हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो इनका जो राम प्रसाद हाथी था, उसके महावत को गिरा दिया था और उसको मार दिया था। फिर एक इनका जो अकबर का एक जो कोई महावत था, उसने उसको कंट्रोल किया था और उसको युद्ध के परिणाम के रूप में, फल के रूप में आगरा लेके गए थे। लेकिन और वहाँ पे इसका जो अकबर ने नामकरण चेंज कर दिया था, उसको क्या नाम दिया था, पीर प्रसाद दिया था, क्या दिया था, पीर प्रसाद। लेकिन वहां पे अकबर के पास में, अकबर के पास में जाकर भी उस हाथी ने, पीर प्रसाद जिसका नाम रखा गया था महाराणा प्रताप के यहाँ, क्या नाम था, राम प्रसाद, वहां पे उनका अन्न जल, अन्न जो जल है वो ग्रहण नहीं किया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो अकबर को तो उसी समय समझ में आ गया कि जिसके पशु पक्षी इतने वफादार है, तो मैं वहाँ क्या चीज हूँ। यानी उनको उनकी उनका औकात का जो लेवल था, उसी समय उसको पता चल गया था। तो ये इतना बड़ा हल्दी घाटी का समर था, महासंग्राम था। तो ये आपको समझ में आ गया, धन्यवाद। आज इतना ही, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।